तो हे गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप अपना जो एंड्रॉइड फोन है उस एंड्रॉइड फोन में आप कैसे एंड्रॉइड 12 का जो वॉल्यूम पैनल है वो आप लगा सकते हो किसी भी एंड्रॉइड फोन में। इस वॉल्यूम पैनल को अप्लाई करने के बाद आपका जो वॉल्यूम पैनल है उसका लुक काफी ज्यादा चेंज होने वाला है और आपका जो फीलिंग्स है एंड्रॉइड 12 का वो भी आपको इधर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहे क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे सेटिंग्स है जो आप अगर नहीं देखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कैसे काम करता है और कैसे क्या क्या करना पड़ता है। तो गाइस, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ। ओके, तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप उधर से जाके इसके बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो इस ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे जो वॉल्यूम पैनल है वो भी आपको दिखने को मिल जाएगा। सिर्फ एंड्रॉइड 12 ही नहीं गाइस, यहाँ पे आपको iOS का भी जो वॉल्यूम पैनल है वो भी दिखने को मिल जाएगा, जो सैमसंग का है वो भी आपको इधर दिखने को मिल जाएगा, RGB मिल जाएगा, वेव मिल जाएगा, MIUI का भी मिल जाएगा और कलर 6 का जो भी है वो भी आपको इधर पूरा देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं ये जो एप्लीकेशन है ये एक्चुअली पेड है, ठीक है। तो इसमें आपको पेड वाला इंस्टॉल करना है ना, तो आपको पता ही कहाँ से इंस्टॉल करना है, और आप नहीं इंस्टॉल करना चाहते हो तो ठीक है, तो इसका जो फ्री वाला वर्जन है ना इसमें भी आपको ऐसे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से पेड वाला से अच्छा ही है ना फ्री वाला, जहाँ पे आपको ऐसे फ्री में भी बहुत सारे फीचर्स आपको दिखने को मिल जा रहा है। एंड्रॉइड 12 का वॉल्यूम पैनल हमको इंस्टॉल करना है तो सिंपली हमको एंड्रॉइड 12 वॉल्यूम पैनल के ऊपर क्लिक करना है। एंड्रॉइड 12 वॉल्यूम पैनल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे ये एप्स परमिशन के लिए आपको पूछेगा, तो आपको सिंपली उसे परमिशन को अलाउ कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इधर क्लिक करना है, डाउनलोडिंग सर्विस पे जाना है और इधर वॉल्यूम स्टाइल को आपको एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद आपका जो वॉल्यूम पैनल है वो अभी सेट हो चुका है पूरा। नीचे आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आप जाके आपका जो वॉल्यूम पैनल है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन गाइस ये एक्चुअली फ्री वर्जन है तो आप इस एप्स में जो वॉल्यूम पैनल है आपका उसको आप ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये जो कस्टमाइज का जो ऑप्शन है ये आपको सिर्फ पेड वाला वर्जन पे ही मिलेगा। स्टाइल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको इधर बहुत सारे ऐसे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जहाँ जो सिर्फ पेड वर्जन पे ही अवेलेबल है, तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको इधर दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेफ्ट और राइट। अगर आप लेफ्ट में क्लिक करोगे तो आपका जो वॉल्यूम स्लाइडर है वो लेफ्ट से ओपन होगा, अगर आप राइट में क्लिक करोगे तो आपका जो वॉल्यूम स्लाइडर है वो राइट से ओपन होगा। तो ये वाला ऑप्शन आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, अगर आपको वॉल्यूम स्लाइडर लाइट में चाहिए तो आप राइट में सेट कर सकते हो, अगर आपका वॉल्यूम स्लाइडर लेफ्ट में चाहिए तो आप लेफ्ट में सेट कर सकते हो। उसके नीचे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, कॉर्नर्स रिड्यूस, स्लाइडर लेंथ, स्लाइडर थिकनेस, जो आप अपने हिसाब से ये कस्टमाइज कर सकते हो जो आपका वॉल्यूम पैनल है। उसके नीचे आपको और एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिलेक्ट सेटिंग्स टू अप्लाई टू ऑल स्टाइल, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपसे इसे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देगा जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद आपको इधर ऐसे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो मैक्सिमम जो ऑप्शन है ये सब आपको पेड वर्जन पे ही देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको इधर वर्टिकल पोजीशन भी देखने को मिलेगा जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। उसके नीचे आपको आएगा पैनल टाइम आउट बोल के, ये भी आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हो। ओवरऑल इस एप्लीकेशन पे आपको ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिवाइस का जो वॉल्यूम स्लाइडर है, वॉल्यूम पैनल है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। बस आपको सिंपली ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको इधर आके आपका जो भी पसंद है वो आप इधर वॉल्यूम पैनल सेट कर सकते हो, वो भी फ्री में भी ऐसे बहुत सारे मिल रहे हैं भाई, तो पेड पे क्यों जाना है। तो गाइस, बस आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहूंगा।